हेलो। हाँ हेलो, मैं जी, तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मतलब मैं शादी के लिए पूछ कर रहा हूँ। तुमसे शादी करने नहीं चाहती थी पहले से। तो ऐसा भी मैंने कब कहा? मतलब हम जब करने वाले थे तो अब मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। क्या हुआ है? तुम नशा की है कोई? नहीं, मैंने कोई नशा नहीं किया, बट फिर क्या नहीं कर हुआ रही है? हूँ। तबीयत ठीक है? मुझे नहीं करनी यार कॉल शादी। करके ऐसा मतलब कौन बोलता है यार? यार देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊंगी ना क्यों नहीं करनी, तो तुम्हें भी लगेगा कि हाँ सही बात है। अरे ठीक है, तो नहीं करते है, ओके। हाँ, तुम नहीं चाहते तो मैं क्यों मतलब चाहूँ? तुम फिर मुझसे शादी नहीं करना चाहते, मतलब आप ही तो नहीं चाहते तो मैं क्या करूँ? फिर तुम भी नहीं चाहते, आप अगर नहीं चाहते तो मैं क्यों चाहूंगा? मतलब तुम इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि मैं तुमसे ये बोलूं। मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। यार पता है क्या मेरे ना, ऐसे मैं सोच रही थी अभी अभी बैठ के। बोलो तुम तुम्हारी सोच अपने पास रखो, मैंने तुम्हें कुछ बोलना है। मैं यार, तुम हद करते हो यार, कॉल उठाती ऐसा कौन बोलता है? यार, तू मेरी बात सुन तो सही ना। मैंने मैं तुमको शादी के लिए कब बताऊंगी प्रपोज किया बताना? तो मतलब तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते थे। नहीं कभी भी नहीं, करना, नहीं मतलब तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। ये भी नहीं कहा मैंने। टाइम पास ही होता है इसका मतलब। तो तो मैं शादी करूंगा, लेकिन अभी तो मैं नहीं करना चाहता ना। जब भी करना चाहते हो मुझे, अब तुमसे शादी नहीं करनी, मुझसे ही नहीं करनी, सिर्फ किसी से भी नहीं करनी। नहीं किसी से भी नहीं करनी तो तो बेस्ट है। फिर बेस्ट क्या है, अभी हम दोनों साथ रहते हैं, जब शादी का टाइम आएगा तब अलग हो जाएंगे। मैं शादी कर लूंगा इधर किसी और से, फिर सही है ना? मतलब तुमने कोई और पटाई हुई है पहले से शादी के लिए, देखी हुई है? नहीं, नहीं वो तो घर वाले देखेंगे नहीं ना, अरेंज तभी मैरिज करूंगा फिर। यार, मैंने तुम्हें क्या बताने के लिए फोन किया? और तुम तो मैं सच यार तो बोल ठीक रहा हूँ, है, तुम शादी फोन नहीं काट करना दो। चाहते, तुम शादी तो नहीं तुम करना किसी और से चाहते शादी करोगे? मतलब तो तुम क्या चाहते हो, मैं भी कुंवारा मरूं? हाँ मैं रह रही हूँ, तुम भी रहो। ओ हेलो मैडम, ये ऐसा नहीं चलता, ये तो गलत बात है, फिर चीटिंग है ये। मतलब तुमसे प्यार ही नहीं करते ना, मैंने कब कहा कि मैं प्यार नहीं करता? तभी तो तुम ऐसा कह रहे हो कि तुम शादी नहीं करोगे तो कोई और तो मिल ही जाएगी। हाँ तो मैं मेरी जिंदगी क्यों खराब करूं भाई? हेलो, फोन काटो। तुम अगर मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते तो तुम्हें इस बात से फर्क क्यों पड़ रहा है ये बताओ। अब क्या यार क्या यार, देखो, शादी के बाद इतनी नहीं सारी नहीं 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 प्रॉब्लम्स वो सब होती नहीं है ना। देखना मुझे, वो सब नहीं देखना ना सुनना है मुझे। नहीं क्यों हम फर्क ऐसा पड़ रहा कर है इतना लेंगे ना, बताओ, नहीं फर्क क्यों पड़ रहा है इतना बताओ पहले। बिकॉज आई लव यू। तो बिकॉज यू लव मी राइट? तो इसका चीट तो मतलब तुम यही कर है रहे हो कि मुझे, मैं तुम्हें प्यार कब चीट करोगे, कर रहे हो? भरोसे रखोगे अपने और शादी नहीं करोगे? अरे तो तुम सुनो सही, मैं क्यों नहीं करना नहीं 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 चाहती? नहीं नहीं पहले मुझे ये बताओ तुम्हें क्यों फर्क पड़ा। तो बोला तो आई लव यू, हाँ, इफ यू लव मी देन इसका यू मतलब मस्ट ये भी मैरी है मी ना। कि जो तुमसे शादी नहीं करनी, इसका मतलब ये नहीं कि आई डोंट लव यू, आई लव यू बट तो तुम भी नहीं तो करनी, चीटी तो कर उसकी रहे हो कोई फिर। और। अरे तुम सुनो मेरी बात तो यार। मैंने सही तो बोला ना, मैंने सही तो यार बोला, नहीं करोगे किसने तो सही मैं किसी बोला, और से कर लूंगा। किसी से नहीं कर दो तुम, ठीक है मेरे हो। क्यों क्यों तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है अब? ओके ठीक है, यू लव मी, मिल गया जवाब। लेकिन क्यों बढ़ रहा है फिर भी? शादी करना ही नहीं चाहते तो लेट मी फ्री ना। कहीं क्या नहीं जा रहे हो तुम, ठीक है? क्यों अच्छा ठीक है, कर लेंगे शादी, बस क्या कर लेंगे? शादी। तुम आई नो दैट, बचपन से ही मनाने में एक्सपर्ट हूं मैं, थैंक यू। लेकिन यार शादी के दिन मेरे पीरियड्स आ गए तो। है हाँ ये कौन सा लॉजिक है अब, ये क्या है? हाँ हो यार, इतना भारी लहंगा मैं कैसे संभालूंगी? अरे यार, ये कहां से आ गया बीच में अब? हाँ कितनी प्रॉब्लम होती है यार। और अगर मतलब शादी के बाद बाय एनी चांस मैं प्रेग्नेंट होगी तो वो तो होना ही है ना। तो कितना मुश्किल होता है यार एक बच्चे को डिलीवर करना। तुम्हें क्या पता, मतलब तुम गलत पता मेरी बात को, बट
कितना मुश्किल होगा यार, मुझे घर छोड़ना पड़ेगा अपना, बताओ कैसे हाँ करूंगी मैं। ये सब की वजह से शादी नहीं करना चाहते, पर नहीं ये सब तो बिना शादी के भी हो सकता है। हीरत क्यों हो तो सकता तुम्हारे हर महीने है होते ही यार, हैं, तो बच्चे भी शादी बिना होने की शादी के तो हो सकते हैं। तुम चुप रहो ठीक है। अरे नहीं क्या नहीं, यार मतलब तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात। आप समझाओ तो सही अच्छे से, क्यों नहीं करनी मुझसे शादी? मुझसे ही नहीं करनी या किसी से नहीं करनी? बोलो ना किस तरीके करनी, सबके हाँ तो साथ क्यों, जिससे शादी करूंगी होगा तो वही ना, हाँ तो बताओ तो सब तो सही वैसे भी क्यों? होना है। बताया तो मैंने सब यार, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा ही वो तो ऑब्वियसली। सबके साथ होता है यार। चलो पीरियड्स वाली बात तो कह नहीं सकते, वो होते भी है नहीं भी होते, बट कोई दिक्कत नहीं है। और हो भी गया तो प्रॉब्लम क्या है? तो यार मैं इतने क्रैम्स में फेरे कैसे लूंगी तुमसे, मुझसे थोड़ी लेना है, अग्नि से लेना है, मेरे साथ। तुमसे तो लूंगी ना अग्नि को साक्षी मान के। हाँ छोड़ो ये सब, तो साथ ही तो फेरे लेना है। एक काम करूंगा मैं, तुम्हें गोदी में उठा लूंगा, ठीक है? हाँ सबके सामने जी, तुम गिर जाओगे पता है, मेरा तो इतना हैवी लहंगा होगा। सिर्फ लहंगा हैवी होगा ना, लहंगे के अंदर जो लड़की होगी वो तो हवा बराबर है। क्या वाई आर यू स्माइलिंग? अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है, सांड बराबर है। ओके ओके आए तुम सांड ठीक है, तुम अच्छा सुअर। ठीक है, पति की बेइज्जती कर रहे हो? अभी तो शादी कर रहे थे, मंडल में फेरे ले रहे थे आपको उठा के। मैं अभी गाली दे रहे हो पति को, शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं 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 आती, जो नहीं आती लहंगे में डाल के रखा है ना, तो मैं निकाल लूंगा उसमें से। यार, हाँ कुछ नहीं छोड़ो, तुम बताओ क्या कर रहे हो। पता है, लड़कियां अपने वजन से ज्यादा हेवी लहंगा पहनती है, देखो कितना मुश्किल होगा यार, पर वो ऐसा क्यों कहती है कि उन्होंने लहंगा पहना है? उनको ऐसा कहना चाहिए कि लहंगे ने मुझे अपने अंदर समाया है, क्योंकि बात तो सही है ना मेरी सही है बात। ना, बात सही है ना, तुम खुद बताओ। हाँ हाँ तो फिर ऐसे मत बोलना तुम शादी में कि लहंगा पहनाया है, ठीक है? बोलना कि उसने मुझे अपने अंदर समाया है, ठीक है? लहंगे ने, ओके। फाइन हाँ पर हम इतना हेवी वाला लेंगे ही क्यों, और इतना फालतू खर्चा करना ही क्यों, है ना? सोच रहे हो कोर्ट मैरिज कर लेंगे अपन दोनों, तुम्हारी फैमिली मेरी नहीं ना, फैमिली, और हम दोनों नहीं साइन यार कर लेंगे, कोर्ट हार मैरिज बना नहीं देंगे, नहीं नहीं खत्म। नहीं और नहीं जितने नहीं पैसे नहीं हमने सोचे होंगे खर्चा करने की, उसकी बैंक में देखो, डाल देंगे, अरे कुछ फंड्स खरीद लेंगे, मेरी सुनो, सही इन्वेस्ट मेरी कर तो देंगे, बात, हाँ पैसे ही पैसे। मेरी बात सुनो बोलो। ठीक है। हम महंगी शादी नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लहंगा पहनना है यार, मेरा सपना है शादी के दिन लहंगा पहनने का। ठीक है तो पहन लेना फिर, हाँ तो मुझे क्या, हम लड़की जैसे, वाले ही खर्चा करते हैं शादी का, हाँ तुमसे किसने कहा खर्चा करने के लिए। लहंगा तो मेरी तरफ से होगा ना। अच्छा लड़कों वाली तरफ से होता है क्या। लो बेटा, इसको शादी करनी है, नहीं करनी नहीं आती है, सॉरी। हो गया इतना नहीं माइंड होता, क्लियर और भी आपका? हो गया, बहुत सारी बातें हैं पता है, बताओ मैं तुम्हें बोल भी नहीं सकती आज ही बताओ तो। बताओ बताओ बताओ। नहीं मैंने बता नहीं रही, बोल के देखो, मैं क्लियर करता हूँ। अभी कैसी, ये दो तीन बातें क्लियर कर दी, वो भी कर हो दूंगा। ही नहीं हाँ सकती हाँ वो पीरियड्स बातें वाली तो क्लियर क्लियर। करता हूँ, ठीक है? पीरियड्स वाली मैं टेंशन मतलब मैं केयर करूंगा तुम्हारी, ठीक शादी है? के दिन मेरे फेरे चल रहे हैं और तुम इन्हें क्या करोगे। हाँ तो तुम ऐसे अच्छे से चलवाऊंगा ना अपने साथ साथ, उठा के चलूंगा या तो, ठीक है? थैंक यार तुम कितने क्यूट हो। यू। हाँ चलो बताओ अब आगे। अच्छा छोड़ो ये सब, क्या नहीं कर नहीं रहे नहीं थे। बताओ बताओ बताओ, नहीं अब तो सुन के ही रहूंगा मैं। हाँ तीसरा ये था नहीं ना, अपने, प्रेगनेंसी वाला आपका। हाँ हाँ तो वो तो सभी होते हैं, मतलब लड़कियां। हाँ होते हो क्या। नहीं, इसलिए मैंने करेक्ट किया बात को। हाँ मतलब होते ही हैं, पेरेंट्स तो दोनों बनते हैं ना, तो दोनों ही होते हैं फिर। हाँ हो गया, लेकिन डिलीवर तो सिर्फ लड़की को करना पड़ता है ना। हाँ तो मैं साइड में खड़ा रहूंगा ना आपका हाथ पकड़ के, आपको हिम्मत दूंगा, पुश बेबी पुश, ऐसे वो मूवीज में दिखाते हैं ना वैसे, ठीक है?
तुम थप्पड़ बजा देना मुझे गुस्से में, ठीक है? चुप बैठ, चिल्लाते हुए, ओके? जैसे वो मूवीज में दिखाते ना वैसे, ठीक है? डन। अच्छा ओके, तीसरी हाँ, बात क्या बोली थी मैंने? और लहंगा, पीरियड्स और प्रेगनेंसी। कुछ नहीं बोला मैंने, नहीं, नहीं और बोला बताओ। था, मैं बोला तो था मैंने यार, नहीं, और कौन सी प्रॉब्लम है आपके दिमाग में, बताओ। आज सारी सॉर्ट नहीं आउट करते हैं, फिर हम शादी नहीं करेंगे, बता ठीक है? सक नहीं बता सकती ना, क्यों, होती है पर्सनल बातें, कुछ दिमाग में बताओ निकली बताओ, है मेरी वो कसम है, नहीं पता। अरे अब यार तो पता है कसम दे दी। एक और बात पता है, एक और बात, ऐसे मैं अपने घर में कहीं भी डांस करती रहती हूँ खड़े होके, कैसे करूंगी यार वहां पे, फिर जैसे अपने घर पे करते हो वैसे इधर करना, भी यार अजीब लगेगा ना, कोई क्या देखेगा थोड़ी, सोचेंगे तुम्हारे वहां पे तुम मम्मी सबके पापा। सामने करते हो। हाँ मम्मी खड़ी है किचन में खाना बना रही है, मैं किचन में खड़ी होकर डांस करती हूँ, ऐसा तो होता है। तो ठीक है फिर, वो प्रॉब्लम है। हाँ सही बात है क्योंकि ये बता तुम्हारा कौन सी जो, तरह हाँ, ये जो तुम्हारा चलते फिरते गांजा फूंकना, ये गलत बात है, ठीक है? ओके। हाँ, तो प्लीज, और मैं तुम्हारे टी शर्ट पहन के कैसे घूमूंगी यार घर में, पूरे घर में मेरी टी शर्ट क्यों पहननी है? तुम्हें वो कंफर्टेबल होती है ना, कितनी बड़ी होगी वो? कोई बात नहीं तो और ज्यादा अच्छी बात है ना, ओवर साइज्ड इससे अच्छा, तो तुम कहाँ बड़े हो। तो मतलब मेरी टी शर्ट मेरे पहनने के लायक ही नहीं रहेगी, तुम तुम्हारे खींच खांच के ढीला ढूला कर दोगे उसको। कपड़ों पे भी मेरा हक होगा पता है ये तो प्रॉब्लम मेरी है फिर। तुम फिर क्यों सोच रहे हो? तुम सॉल्व करो अपनी प्रॉब्लम, मत करो मतलब, नहीं मत करो ठीक है, ब्रेकअप। ए कपड़ों के लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो, गोल्ड अरे, डिगर कहीं के गोल्ड, एक सेकंड, नहीं सॉरी अब सूट ही तो नहीं, नहीं वही नहीं तो। तुम अपनी चीजों के लिए मुझे छोड़ रहे हो, मतलब कपड़ों के लिए सुना तो सही, क्या, नहीं छोड़ रहा मैं, ठीक है? छोड़ भी नहीं सकते अब कपड़े तो, छोड़ शादी दिए मैंने, करनी अभी निकाल पड़ेगी के फेंक दूँ? अब तो शादी करनी पड़ेगी। हाँ तो करूंगा ना, निकाल के फेंक दो, अभी छोड़ दिए कपड़े, ठीक है? रुको, निकाल देता हूँ, रास्ते पे खड़ा हूँ फिर मैं। अरे मुझे क्या करो, तुम्हारी बेइज्जती अच्छा, होगी दो चार लड़कियों का ग्रुप तुम्हारी, भी बैठा है उधर ओए सामने, ओए 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 ठीक है, कोई बहुत जरूरत हॉट नहीं है है, पता है। उन्हीं के पास जाओ फिर बोलो नंबर ले लो उनका, हाँ, उसमें से कोई तो शादी के लिए रेडी हो जाएगी, मेरी वाली नहीं है तो भी। तुम ठीक है मैं भी यहाँ पे किसी को रेडी कर लेती हूँ शादी के लिए, तो करना ही बहुत नहीं है यहाँ पे। चाहते नहीं थे। अब मैं उससे करूंगी, तुमसे नहीं करूंगी ना, तुम्हारे साथ मैं रेडी नहीं हूँ। अच्छा चुप बैठो, मुझे बताओ और कौन सी बात है दिमाग में, और नहीं छोड़ो मेरी कसम बताओ। नहीं, अरे नहीं ब्रह्मास्त्र यार चला दिया, बोलो जल्दी। ठीक है बनाने दो रुक बनाने दो का क्या मतलब होता है? जो है वो नहीं बता सकती ना नहीं, जो है वही बताओ, नहीं बताओ 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 बताओ, जो यार है मुझे तो वही ठीक बताओ। से, अच्छा हाँ मेरी फर्स्ट रसोई में खाना बिगड़ गया तो तुम्हें मैं हूं ना, मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है? खाना बनाना आता है अच्छा हाँ, मैं तुम आपके लिए सीख लूंगा, ठीक है? और मुझे इतना पता है कि आप तो ऑलरेडी खाना बना ही लेते हो, तो टेंशन नहीं है। कुछ स्टिल और, ना, नर्वसनेस में बिगड़ जाता है यार। कुछ और। कुछ और नहीं जो दिमाग में छोड़ो चल इसे, रहा है वो बताओ। नहीं मैं बताऊं क्या चल रहा है? क्या फर्स्ट नाइट वाली चीज चल रही है, राइट? ऐसा कुछ नहीं देखो, पकड़ लिया ना। चलो पूछो, क्या चल रहा है? है मुझे नहीं चल रहा मेरे नहीं दिमाग नहीं नहीं में, नहीं पूछो पूछो पूछो, नहीं 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 कुछ नहीं 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 चल नहीं रहा पूछो 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 पूछो। टेंशन मत तुम्हारे लो साथ ऐसा, यार, मजे करेंगे अपन दोनों। खाओ सबसे खाना पहले तो वो खा लिया घूंघट तुमने, उठा खाना रहा खा हूँ लिया, मैं वाला सीन होगा। हेलो फिर पता है, फिर क्या होगा? फिर आपके हाथ में जो नोटों की गड्डी होगी, खाना वो आप बेड पे रखना। हाँ, जो नोटों देते हैं ना ऐसे मुंह दिखाई की और इसकी उसकी, वो गिफ्ट वाली देते हैं रखना। यार, हाँ, तो जो भी है वो रखना, और मैं, मेरे हाथ में जितने होंगे उतने रखूंगा, फिर उसको गिनेंगे हम, ठीक है? फिर हमारा एक्चुअली कलेक्शन देखेंगे। हाँ हम गिफ्ट खोलेंगे ठीक है, जो भी शादी में आए होंगे, फिर पैसा जो आएगा ना
उसकी शॉपिंग करेंगे। गुड, क्या करेंगे? शॉपिंग दिमाग ठिकाने पे तुम्हारा। शादी और तो क्या रिसेप्शन में जो करेंगे? खर्चा आया उसके बिल भरेंगे। अच्छा हाँ हाँ सॉरी सॉरी वो तो हम डेट दोनों को को भरना पड़ेगा ना, तुम्हारा तो शादी भी होगी, तुम्हारा तो अकेले खर्चा भी होगा, हम दोनों का होगा। अब तो हाँ, एक और और नुकसान पैसे शादी कितने के करने बाद का, क्या करेंगे? अब सो जाएंगे और क्या। देखो घूंघट उठा रहा हूँ मैं वाला सीन तो तुम्हारे से तो होगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल हजारों लाखों बार देख चुका हूँ, तो तो यार आपको तब फिर से इंटरेस्ट नहीं बचाने। देख सकते। नहीं, हो क्या बोले तुमने? मैंने बोला कि अभी वो उसमें इंटरेस्ट नहीं बचाने। नहीं तो तुम्हें अब मुझ में इंटरेस्ट ही मैंने नहीं तुम्हारी है। बात तो की नहीं है, मैंने वो कितनी बार सीन में फर्स्ट बोला है, नाइट क्योंकि ला चुके हो तुम, जो मैं तुम्हें तुम्हारे इंटरेस्ट नहीं मिला, बोर हो गए हो। मैं तुमसे थोड़ी बोर हुआ हूँ, तुमने मैं बोला तुम्हारी कि शक्ल इंटरेस्ट इतनी नहीं बार मिला, देख चुका हूँ, इतनी तुम्हारी बार देख शक्ल चुका से हूँ कि बोल उस चुके हो वाली चीज में मतलब। इंटरेस्ट नहीं आएगा मुझे। नहीं, तुमने बोला है, तुम्हारी शक्ल से बोल चुके हो। मैं तुम्हारी शक्ल से बोर नहीं हुआ, मैंने बोला मुझे उस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मतलब कितनी बार कर चुके हो तो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं रहा। तुम्हारे साथ तो लाखों बार हो चुका है ना, तुम्हारी शक्ल देख के, है ना? बस वो घूंघट उठा रहा हूँ वाली चीज नहीं हुई है, ठीक है? तुम रुमाल रखना अपने चेहरे पे, मैं उठा दूंगा। यार हुआ तो है, आप वो स्टोल पहन के आए थे और वो बालों में अटक गया था क्लिप में आपकी, तो मैंने तो हटाया था, और वो भी लाल कलर की दुपट्टा एक तुम्हारा सेकंड स्टोल। रुकना, ठीक है एक सेकंड, मुझे तालियां बजानी है तुम्हारे लिए, मेरे हाथ दिख नहीं है लेकिन। तो सच तो वाह तुम है, सच कहाँ से लाते हो ऐसी बातें, इतनी तो है, वाहियात बात की है पता है। सच तो है। और वैसी लव कुछ मैरिज होगी, नहीं कोई मतलब, जरूरत ही नहीं होगी इस स्टिल चीज की। स्टिल, हम अरे दोनों फिर कितनी बार भी रोमांस कर चुके हैं, किसेस कर चुके हैं, हग्स कर चुके हैं, तब क्या करेंगे? पैसे गिन के सो जाएंगे, सिंपल। ठीक देखो देखो है देखो, पकड़ लिया ना तुम्हें मैंने, है रंगे मैं हाथों पकड़ लिया। तो तुम डर गया चाहते हो फोन कुछ ना का, कुछ हो, और अब नहीं फोन का फोन करोगे मैं तो मजाक कर, मैंने पकड़ लिया आपकी चोरी। देखा, आपके ही माइंड में गलत है मेरे बारे में, ना कि मेरे। ठीक मेरे है, दिमाग में कुछ गलत नहीं है, ठीक मैं तो है। सोने की बात कर रहा था, आप क्या कह रहे हो? यू आर अ ओ कर पथेटिक रहे हो। पर्सन, ठीक है तुम पथेटिक हो बहुत ज्यादा, गंदे आदमी। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, सोच आप रहे हो, मैं थोड़ी। मैं कुछ भी सोच रही होती है, आप तो तुम सोच रहे हो कि सोचवा कुछ रहे हो। होगा, आप ही तो मैंने सोचे कुछ एक कुछ भी होगा। सोचा, मैंने कुछ भी सोचा, सोचा मैंने सोचा, मैंने झूठी कुछ नहीं कहीं सोचा, ठीक है। गंदे की। तो बोलो, करोगे शादी या नहीं करोगे, या मूड अभी भी नहीं है? कर सकते हैं लेकिन ठीक है चलो लेकिन कर ही लेकिन क्या? लेंगे नहीं 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 अब चलो। वो लेकिन क्या है वो बताओ। मूड तो नहीं अभी मेरा, बट ठीक है कोई क्यों बात नहीं नहीं कर है? लेंगे। पूछो यार तुम जैसे सारी आदमी से प्रॉब्लम्स तो कैसे क्लियर कर लूँ। दी। हाँ सही बात है, सही। हाँ, और देखो ना, घूंघट वाला सीन भी हो जाएगा, फिर क्या होगा, रोमांस भी होगा ढेर ठीक सारा, है तुम जाओ अब, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो और गई। अच्छा, और एक बात है ना माइंड में, क्या मेरे सामने कितनी शर्म आएगी, राइट? जब फर्स्ट टाइम ओके ठीक है तुम जाओ, ये बहुत देर हो वाली गई, तुम माइंड में बात पका रहे हो, थी, पका ठीक रहे हो तुम पका रहे हो। है बेटा, पक पक पक्या करते बैठो तुम, ठीक है? मैंने सारी बातें पकड़ ली आपके दिमाग में जो चल रही है शादी को लेके। कोई बात नहीं, शर्म मैं हटा दूंगा। पूछो कैसे, कैसे यार लाइट बंद कर दूंगा ना, तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी। तुम बहुत देर हो गई, मुझे खाना भी खाना है, जाओ। अच्छा, कोई शर्मा रहा है क्या अभी से ही? बोलो नहीं तो फिर, करोगे नहीं करोगे? ठीक है, तुम शादी पहले की बात प्रपोज तो कह रहा हूं करो मैं, कुछ और मुझसे, नहीं। प्रपोज। हाँ तो मैंने कुछ गलत सोचा भी नहीं, ठीक है। अच्छा फिर ठीक है, हाँ मैं कह रही थी कि प्रपोज भी नहीं किया तुमने अब तक मुझे शादी के लिए, कैसे करते तुम शादी में? तो प्रपोज थोड़ी करना पड़ता है, प्रपोज तो मैं एकदम ट्रेडिशनल वे में करूंगा। पूछो कैसे। कैसे? अच्छा घर वालों को तुम्हारे घर पे लेके आऊंगा, ओके सीधा झटका दूंगा तुम्हें, तुम्हारे घर वालों को कुछ पता ही नहीं नहीं मुझे होगा, कोई सीधा प्रॉब्लम लड़का आ नहीं गया, है। तुमने तो बता के भी नहीं रखा है होगा। ही, मजा आएगा ओए फिर। तुम ऐसे मत आना अचानक हाँ, भाई। अचानक ही आना पड़े। क्या बोला? मतलब भाई तुम्हें नहीं बोला मैंने।
आदत छोड़ो ये अपनी, शादी के बाद हम लोग कुछ चल रहा है आपके ऊपर ज्यादा मतलब वजन पड़ गया तो बोलो भाई दर्द हो रहा है मेरे को, क्या फील होगा फिर मेरे को। हाँ नहीं तो क्या, मत बुलाया करो यार, दर्द होता है छाती में। हेलो हेलो, जिंदा हो? ठीक है, तुम जाओ बहुत जरूरी। नहीं सॉरी इतना मत शर्माओ, ठीक है अब तुम जाओ। टाटा। ओके बाय ऐसा रूखा सूखा बाय। बस आई लव यू, आने भी तू बाहर में जाओ। सेम टू यू। अच्छा गुस्सा क्यों कर रहे हो? जाओ तुम। ठीक है टाटा, पागल कहीं की। हे गाइस, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार? सब्सक्राइब कर दिया करो ना, बहुत मारूंगी। और प्लीज लाइक शेयर एंड बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखा करो, हम दोनों पढ़ते हैं, मैं और मोहित सर दोनों। सो प्लीज कर दिया करो। और लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच अब तक के सपोर्ट के लिए।